Exams got over. Math exam got over. How was your exam? Cheating. अरे basically maths कैसा था? मतलब डर रही थी इतना कि क्या होगा क्या होगा? मैं डर नहीं रही थी जब matrices हो गया. अच्छा. वो होता है क्या? नहीं वो हमारी जो ये लड़की है ये गलत ऑटो देखते हुए कुछ पता नहीं होता है खाली नया देख नया देख. तो आज हो गया हमारा मैथ्स एग्जाम ओवर. यार हम कितने गंदे दिखते हैं कॉलेज ड्रेस में. और दो बार पहनी है कॉलेज ड्रेस उसके बाद कभी नहीं पहननी है. फाइनली सर एग्जाम्स गॉट ओवर. आज था हमारा पहला एग्जाम मैथ्स का जो कि अच्छा गया. मैं दो दिन में पढ़ के लाइक अच्छा करती एग्जाम लाइक आराम से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. सो या आपको आपसे कंटिन्यू करते हैं. बाय द वे मेरी मम्मी ने बहुत सारा खाना भेजा है श्रुति और सानू के साथ एक बैग भर के जो कि कॉलेज में इन्होंने दिया मुझे. सो अभी हम डायरेक्टली जा रहे हैं हमारे रूम. सो मिलते हैं. मेकअप आर्टिस्ट ये सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं. थंबनेल में जाएगा. फाइनली हम लोग अपने रूम पहुंच चुके हैं. मैं श्रुति जेना सानू सब कोई. हाँ अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं. और बाय द वे बहुत ही ज़्यादा बारिश वगैरह हो रही है तो हम लोग रूम में ही कपड़े सुखा रहे हैं. एंड मेरी मम्मी ने घर से पता नहीं छोड़. सो मेरी मम्मी ने घर से खाना भेजा है. सो मैं एक एक करके दिखाऊंगी क्या क्या आया है घर से आज. सो वेट. तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे आलू की सब्ज़ी सूखी आलू की सब्ज़ी. उसके बाद में है कुछ सैलेड के आइटम्स. अगर मेरे को कुछ नहीं खाना होगा तो मैं ब्रेड में सैलेड डाल के खाऊँगी हेल्दी चीज़ें. उसके बाद इसमें है परौठे और सूखी रोटी टाइप की कुछ मम्मी ने बना के दी है. पिंकी दीदी ने मतलब वो जो मूढ़ी नहीं होता क्या मूढ़ी चूड़ा चूड़ा जो हाँ चूड़ा मिक्सचर डाल के वो वाला दीदी ने बनाया. थैंक यू दीदी. एंड उसके बाद है हमारे पास इसके अंदर में प्याज और मिर्चियाँ. ये क्या लहसुन की चटनी. ये मेरी सबसे फेवरेट है. मेरी मम्मी ने बनाए हैं मठरी जो कि ऐसे चटनी अचार के साथ खा सकते हो स्नैक्स के हिसाब से. तो इतनी चीज़ें जो हमारे घर से है. तो यही सब था. अभी हम लोग का ढाबे से भी खाना है वो वाला भी हम खाएंगे. अरे ढाबे वाला खाना जो हमारी जेना लेके आई है चावल आलू चोखा सब कुछ. तो आज मिला के सब खाएंगे. यार ये क्या है? बट फिर भी मुझे लालसा नहीं आ रही है खाने के लिए. मैं पिछले दो दिन से रोज खाना आधा फेंक रही थी कि इतना गंदा सा दाल भेज रहे थे पानी जैसा. कुछ भी स्वाद नहीं था. सब्जी तो कुछ टेस्टी नहीं थी. और आज भैया बनाए हैं वैरायटी के चीजें. उसके साथ में बनाए हैं बहुत अच्छा सारा क्वांटिटी भी बहुत सारा. हमारी दीदी आ गई है. से हाय. और सो अभी हम आ चुके हैं जेना के रूम पे. खाना पीना सब कंप्लीट कर चुके हैं. एंड ये रहे सब लोग. और हमारी सानू माता आज अपने घर वापस से लौट जाएगी. एग्ज़ाम ख़त्म हो गया. अब डायरेक्ट एग्ज़ाम है हमारा 11 तारीख को. आज है 7 जुलाई. डायरेक्ट नेक्स्ट 7 जुलाई मुझे याद है यार. 11 तारीख को अब नेक्स्ट एग्ज़ाम है. तो नेक्स्ट हम सानू से 11 तारीख को ही मिलेंगे. बाय द वे सानू हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं. तो ब्रीफ बता दे रहे हैं सानू माता का. नहीं ब्रीफ ये बता रहे हैं कि सानू माता का बर्थडे था फेब्रुअरी के मंथ में. हमने हाँ तो उसके लिए हमने गिफ्ट तब से ला रखा था बट हम कभी दे नहीं पा रहे थे क्योंकि आती नहीं है. और जब आई तब हम मतलब ऐसा माहौल हुआ कि हम इसको दे ही नहीं पाए. सो फाइनली आज वो शुभ मुहूर्त आ चुका है 4 से 5 महीने बाद कि हम इसको इसका गिफ्ट देंगे. सो वेट विल ब्रिंग द गिफ्ट. पता है कब से लगे जनवरी से कलेक्ट कर रहे हैं छोटा छोटा गिफ्ट हम तेरे लिए ला के रखे हैं. सो मिंत्रा से कोलैब है भाई. श्रुति को मिंत्रा से आया कोलैब कोलैब कोलैब. श्रुति कांग्रेचुलेशन. आज इसी बात पे पार्टी दे दे. एंड अभी फोकस है हमारी सानू माता का. सानू माता अब एक एक कर रहे हैं. आप दिखाइए अपना गिफ्ट्स. अरे दिखाओ. फर्स्ट गिफ्ट ऑफ अपनी सानू माता इज दिस टेडी बियर. ये जो भालू है. अरे क्या कुशन का है पिलो सॉफ्ट सॉफ्ट. ये पकड़ रात को सोना तू और हमारी याद में. तो दिखाइए पर्स ऊपर करके दिखाइए कॉज नीचे हम दिखा नहीं सकते. हाँ इसके अंदर भी गिफ्ट. हाँ सो ये है सेकंड गिफ्ट. ये है पर्स स्लिंग बैग जैसा कुछ. और इसके अंदर में हमने कुछ कुछ चीजें छोटी छोटी चीजें दी हैं. सो ओपन कीजिए. ये है सानू का फेवरेट. ये सानू हमेशा बोलती थी कि इसको ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए. सो इसके लिए वो लेके आए हम. उसके बाद नेक्स्ट है ये एक क्यूट सा कप. कप
जिसमें ये रोज कॉफी पिएगी और ये दो स्क्रंचीज जो इसको पसंद है ऐसा वो बोलती है, इतना ही है इसके लिए। चॉकलेट लाएंगे बट आपका तो पता ही नहीं रहता आप कब रहते हैं कब नहीं, सो इतना सही है हम गरीबों की तरफ से आपके लिए जन्मदिन का उपहार वो भी 4 महीने डिले करके। सो थैंक यू बोल दीजिए आप प्लीज। यार नहीं पसंद आया अबे अच्छे से अबे तेरा खाना नहीं खा के आएगा। थैंक यू सो मच सभी को। सभी को क्या यूट्यूब फैमिली थोड़ी दे रही है इसको ही अबे साले हम तीनों मिलके दिया है। तुम तीनों को बोली ना सो ठीक है आप सबको जादू की झप्पी दे और प्यारी कर कैमरा में मैं ही बस कॉलेज की यूनिफॉर्म प्यार कर यार प्यार कर वही एक्चुअली फरवरी का ये डेट बोली तू नहीं बोली उस वक्त। अरे मेरे को याद है मैं बोली 10 तारीख को जा रही है। अभी हमारी प्यारी सी सानू जा रही है अपने घर। सानू माता बाय। Hey guys, अभी बज चुके हैं शाम के 7 एंड श्रुति अभी जा रही है अपने रूम। हम लोग इतने देर के लिए सो गए थे, मेरी आंखों देख के पता चल ही गया होगा मैं बहुत पढ़ रही थी ना रात भर, सो मैं सो गई। अभी मुझे अच्छा लग रहा है, आज फिर रात भर नहीं सोऊंगी। इतना प्यार से बात कर रही है मैं ऐसी तो प्यार से बात करती हूँ तुम सबसे। सुबह का खाना बच गया तो वो अभी हम खा रहे हैं, पराठा दाल की पूरी। ये सुबह जेना लाई थी स्टोर से वो चटनी और ये भजा। या डिनर हो रहा है आज सुकून से खाना खाएंगे भाई। गाइस बज रहे हैं रात के, अब बज रहे हैं रात के एक एक हाँ एक और यही था आज का दिन हमारा। देखो क्या मस्त चटनी है मेरा प्यारा सा। ये दिस टॉप कॉस्ट 30 रुपीज ओनली, 100 रुपए का है। अच्छा ये 100 वाला है वो तू जो पहनी थी वो 30 रुपीज का था। अब 100 रुपए में भी क्या खराब है, क्या खराब है, क्या मस्त है। इसको मैं रगड़ूंगी डेली यूज में भी मस्त आराम से 35-40 से ऊपर वाली पहन लेंगे हम लोग इंडिविजुअल। बाय द वे मैं और जेना आज हम मी टाइम हमारा टाइम आज स्पेंड कर रहे हैं दिनों बाद एंड से हाय टू माय डायनासोर। इसका नाम मैंने जैक्सन रखा है। जैक्सन है ये हमारा। सो इसको बेचारे को मैं भाव नहीं दे रही थी कितने दिन से, और नेहा को बुरा लग रहा था कि उसको भाव नहीं दे रही है एंड ये जैक्सन जो है उसको कंप्लेन भी नहीं कर रहा। हाँ ये बेचारा चुपचाप किधर भी बैठा रहता है, जिंदा इंसान नहीं है वो जो कंप्लेन करे। सॉरी यही था आज का ब्लॉग। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय एंड टेक केयर। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कॉज मेरे 1K जल्दी से होने वाला है, तो प्लीज़ जितना ज़्यादा आप लोगों को बोलो कि शेयर करो और सब्सक्राइब करो उतना कर दो। टिल देन बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।